हेलो नमस्ते, कैसा? मैं तो स्वस्थ हूँ, आपके स्वस्थ होने की कामना करता अपने ब्लॉग के साथ कर रही हूँ। अभी बजे है 9 और कल थी होली। हमारी सभी की घर में तबीयत खराब हो रही थी, हमने होली इस बार सेलिब्रेट नहीं की। आज पापा कह रहे थे कि मैं आज ले जाऊँगा तो मैं आउटिंग पे। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और जाते हैं। और ये सीक्रेट है, पापा ने हमें भी नहीं बताया है, कह रहे हैं ये भी आज भी सीक्रेट है, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी पापा ने बोला था ये सरप्राइज है। और पापा ले तो गए थे, लेकिन मॉल में ले गए थे। पापा का ख्याल था कि एयरपोर्ट ले जाएंगे, लेकिन मॉल में ले गए थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या होता है, चेक करते हैं। जाते हैं अभी। फाइनली पापा ने बता दिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग आ गए हैं लंडन फोर्ट में और यहाँ पे पापा कटा रहे हैं टिकट, बिकॉज यहाँ पे अंदर जाने के भी पैसे लगते हैं और 1 पर्सन के 20 रुपीज़ हैं। पापा टिकट कटा रहे हैं और हम लोग चलते हैं ऊपर। और मेरी फ्रेंड्स और पापा भी कह रहे थे कि यहाँ पे पहले तहसील्स का वर्क चलता था और इन्जॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। मम्मी भानु ये सभी तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मैं आराम से पीछे चल रही हूँ। मम्मी तो कह रही है ये एकदम भूल भुलैया जैसा लग रहा है, और भैया तो हर कमरों के अंदर जाके देखने में क्या है अंदर, और कुछ कुछ कमरों में तो ताला भी लग रखा है। और देखिए यहाँ से पिथौरागढ़ का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, वाव। और नीचे में पार्क करते हैं गाड़ियाँ, कार्स, बाइक सारी, और नीचे में पार्क करने के भी लगता है पैसे, लेकिन हमने ऊपर भी पार्क कर लिया था, हमने अपने पैसे बचा लिए। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है देखिए यहाँ से। मैं आपको बता देती हूँ लंडन फोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स, और जो मैंने नेट से देखे थे और थोड़े बहुत मैंने पापा से भी पापा ने बताए थे, इसे मैं आपको बताती हूँ। लंडन फोर्ट 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इसे गोरखा राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 135 ईयर तक इसमें तहसील का काम चलता था। गोरखा शासकों ने इस किले का निर्माण 1791 में किया था। नगर के उच्च स्थान पर इस किले के चारों ओर अभेद दीवार का निर्माण किया गया। इस दीवार में लंबी बंदूक चलाने के लिए 152 छिद्र बनाए गए हैं, जिससे किले के अंदर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। किले की लंबाई 88.5 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। किले के अंदर लगभग 15 कमरे हैं और मुख्य भवन 2 मंजिला है। इस किले में गोरखा सैनिक और सामंत ठहरते थे। इस किले में एक तहखाना भी बनाया गया था। किले के अंदर कुछ गुप्त दरवाजे और रास्ते भी थे, जिनका प्रयोग काल में भी किया जाता था। बताया जाता है कि इस किले के अंदर गोपनीय दरवाजा भी था, लेकिन अब यह कहीं नजर ही नहीं आता है। किले के अंदर एक कुआं भी खोदा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई। उसके बाद उस कुएं को बंद करके इस पर पीपल का पेड़ उगाया गया। लंडन फोर्ट के ही पास में रामलीला ग्राउंड है, जिसमें पिथौरागढ़ की फेमस रामलीला की जाती है। और यहाँ पे अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी बज गए हैं 12। हम लोग जाते हैं लंच करने। मम्मी कह रही है मार्केट में ही लंच करते हैं, पापा भी कह रहे हैं चलो आज लंबे समय के बाद मार्केट में लंच करते हैं। फाइनली हम लोग आ गए होटल में और अब ऑर्डर करते हैं कुछ। वैसे तो आज नॉन वेज ऑर्डर करेंगे, रोस्टेड चिकन एंड बटर चिकन एंड नान ऑर्डर किया है। एंड स्वीट डिश में हम करेंगे ऑर्डर गुलाब जामुन। भानु को देखो कितने इंजॉय करके खा रही है। भैया कह रहे कि इतना घूम गए अब मुझे ले जाओ पार्क में। हम लोग अपने घर के पास पुलिस लाइन वाले पार्क में भैया को ले गए,
और भैया भानू खूब इंजॉय कर रहे हैं, भैया तो लटकने में है, स्लाइड में जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मतलब भैया को। और अब जाते हैं फाइनली घर, बिकॉज बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं। सो फाइनली हम लोग घर आ गए और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। वैसे तो हम सभी हो गए, हम लोगों ने छोटे सा नैप भी ले लिया था और आज मार्केट में तो बहुत मज़ा आया। लंदन फोर्ट में भी खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने आज मार्केट में ही लंच कर लिया था। सो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सर्कुलेट करना मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, बाय बाय।